टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। सीरियल की कहानी अब सिर्फ अक्षरा और अभिमन्यु पर नहीं टिकी है। सीरियल में अभिनव और आरोही भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शो में आरोही और अभिमन्यु की शादी की बात चल रही है। बिरला परिवार दोनों की शादी के लिए राजी हो चुका है और गोयनका परिवार को भी इस बारे में पता चल चुका है। लेकिन अब सीरियल में एक मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अक्षरा आरोही और अभिमन्यु की शादी की रस्म की शुरुआत करती नजर आएगी। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सीरियल का नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें अगले दिन के एपिसोड की एक झलक दिखाई गई है। इस प्रोमो को देखा जा सकता है कि मंजरी गोयनका हाउस में फ़ोन करती है और सबको बताती है कि वो होली के मौके पर आरोही और अभिमन्यु की सगाई फिक्स कर रही है। पहले तो घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोयनका परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं है। लेकिन फिर बड़े पापा बोलते हैं ठीक है, इस बार नए मौसम का स्वागत इन दोनों के नए रिश्ते के साथ होगी। इसके बाद अक्षरा को दोनों का तिलक करने के लिए कहा जाता है, फिर वो अभिमन्यु का तिलक करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आगे की कहानी अक्षरा अभिमन्यु और आरोही के बीच उलझती हुई नजर आएगी। सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि आरोही और अभिमन्यु की सगाई में अक्षु भी रोकेगी और ये सब अबीर की वजह से होगा। वो शादी में रुकने की जिद करता है, सीधा अभी को फ़ोन मिला देता है जिसके बाद ना चाहते हुए भी अक्षरा को उदयपुर में कुछ और समय के लिए रुकना पड़ता है।